सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उक्त गांव निवासी अभिमन्यु कुमार मनीष ने एक लिखित शिकायत लोक शिकायत के यहां की। दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि भागवतपुर गांव में शिव मंदिर से लेकर राजेश्वर भारती के घर तक बनाए जा रहे ग्रामीण सड़क में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ से सड़क टूटना भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लोकल बालू की जगह मिट्टी डालकर बेस तैयार किया जा रहा है, घटिया मेटल का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेटल की जगह ईंट का टुकड़ा दिया जा रहा है, जिस कारण सड़क बहुत ही कमजोर बन रही है। तैयार सड़क पर जब ट्रैक्टर चल रहा है तो जगह जगह सड़क फटती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा प्रांकलन को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। बता दें कि 2.085 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 1,23,82,334 रुपए की लागत से किया जाना है और संवेदक द्वारा घटिया कार्य करवाया जा रहा है। कार्यस्थल पर लगाए गए बोर्ड के अनुसार 4 फरवरी 2020 को प्रारंभ कार्य 3 फरवरी 2021 को समाप्त होना था। ग्रामीणों ने काम की जांच करने की मांग की है। डी11 टीवी के लिए तरैया से एनके नवल की रिपोर्ट।